हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, जैसा कि आज हमने देखा कि मार्केट ने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा, जो भी स्टॉक्स आप लोगों को दिए गए थे बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस उनकी रही और बहुत अच्छे से उनके सारे के सारे टारगेट्स अचीव हो गए थे। सेम रिजल्ट रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और जो आप लोगों को लेवल्स बताए गए थे, आपको टेलीग्राम लेवल पर शेयर करे गए थे लेवल्स, वो सारे के सारे अचीव हो गए थे। सो गाइस, अब हमें बात करनी है कि सोमवार को जो स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स कैसे रह सकते हैं, सोमवार को मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, और अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हमें ट्रेड करना है, जो अब वीकली एक्सपायरी जो नेक्स्ट है उस पर हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। गाइस, इस वीडियो पे, ये जो वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, इस वीडियो पे हम फोकस करेंगे पर्टिकुलरली सिर्फ स्टॉक्स पे, और स्टॉक्स के साथ साथ हम जो 5 स्टॉक्स आप लोगों को रेगुलरली देते हैं उसके साथ मैं आप लोगों को आज उन 5 स्टॉक्स को क्यों मैंने बाय या सेल आपको रिकमेंड करा है उसका चार्ट में जाके एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कोई पैटर्न बन रहा है, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इस वजह से मैं आपको दे रहा हूँ, क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को वो पर्टिकुलरली 5 स्टॉक्स बाय करवा रहा हूँ। और अगर आप ये 5 स्टॉक्स की सिर्फ चार्ट एनालिसिस भी देख लेंगे तो भी आप ज़्यादातर चार्ट्स के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज इसमें गेन कर सकेंगे, क्योंकि ये 5 स्टॉक्स मैंने ऐसे ही बिहेवियर के लिए चुन रखे हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जो भी मैं आपको स्टॉक्स देता हूँ वो मैंने खुद ले रखे थे। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी कि जो मैंने आज आपको स्टॉक्स बाय करवाए थे, तो मैंने उस पर आपको बताया था कि मैंने बाय कर रखा है अपना बैंक निफ्टी को 247 के अराउंड पर, मैंने बैंक निफ्टी को बाय करके रखा हुआ है अभी भी, और आज जाके मैंने उस पर एग्जिट मारा है 508 पे। गाइस, आप 30,900 की कॉल ऑप्शन मैंने बाय करके रखी हुई थी 21 नवंबर की, 247 पे मैंने बाय करी थी और 508 पे आज मैंने एग्जिट करा है वो पर्टिकुलर काउंटर को। और जैसा कि मैंने आपको अपने कल की वीडियो पे बताया था कि जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए हैं वो पर्टिकुलरली सारे स्टॉक्स मैंने अपने स्विंग ट्रेड्स पे रखे हुए हैं, और थोड़े बहुत थे जो मैंने अभी अपनी वीडियो पे नहीं डाले थे। तो आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही, और मैंने अपने पोजीशंस को सबको एग्जिट कर लिया है, आधी पोजीशंस एग्जिट कर लिया, मतलब अगर मैंने 3 लॉट ले रखे थे तो उसमें से मैंने 1 या 2 लॉट एग्जिट कर दिए किसी किसी के, और अभी भी कुछ पोजीशंस मेरे पास होल्ड में है। सो गाइस, ये जो आपको कॉल्स प्रोवाइड कराई जाती है, जो भी आपको स्टॉक्स प्रोवाइड कराते हैं, ये ज़्यादातर मैं आप लोगों को 2 या 3 या 4 दिन के पर्पज़ से देता हूँ। तो अगर आप देखते होंगे कि एक दिन मैंने आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक बाय करवाया, तो अगले दिन भी मैं वही आपको बाय करवा देता हूँ, और उसके अगले दिन भी वही बाय करवा देता हूँ। क्यों नहीं गाइज, अगर आपको एक स्टॉक से 3 दिन तक रेगुलर प्रॉफिट हो रहा हो तो क्यों हम आपको वो कॉल प्रोवाइड ना करवाएं। सो उसी के साथ, जो मैंने आपको अपने 5 स्टॉक्स कल प्रोवाइड करवाए थे उनकी परफॉर्मेंस शीट आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। HDFC बैंक बाय करने की सलाह दी थी, 1274 पे बाय करने की सलाह दी थी, 1287 का टारगेट था, टारगेट्स अचीव हो गए। सिप्ला आपको बाय करने की सलाह दी थी, हाँ सिप्ला जो खुला था वो हमारे स्टॉप लॉस पे ही खुला था, तो इस पर हमने शुरुआत में कोई ट्रेड नहीं लिया होगा, पर जैसे जैसे उस पर रिकवरी आई और हमारे बाय प्राइस पे आया, तो अगर आप लोगों ने बाय करा होगा तो आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट पे रहे होंगे। और सिप्ला, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे भी होल्डिंग्स पे था और मैंने तब भी होल्ड करा हुआ था इसे, HDFC बैंक भी मैंने होल्ड करा हुआ था, HDFC बैंक अभी भी मेरे पास होल्ड है, कुछ लॉट्स मैंने बेच दिए थे, कुछ लॉट अभी भी होल्ड है। सिप्ला में भी सेम मेरे पास अभी भी होल्ड है, ल्यूपिन भी होल्ड है, और इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस मैंने एग्जिट कर दिया है, पर मैं दोबारा इसे बाय करूंगा, वो लेवल्स आपको मैं अपने चार्ट्स पर जाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम 5 स्टॉक्स आपके लिए मंडे के ट्रेड के लिए लेकर आए हैं, जिसमें था कोटक बैंक। कोटक बैंक मैंने आपको परसों भी बताया था, यानी कि थर्सडे जिस दिन एक्सपायरी थी आपको बोला था कि बाय करिए कोटक बैंक को, और कोटक बैंक मैंने आपको बताया था कि अराउंड 1606 रुपये के 1606 के आसपास बाय करिएगा, और तब वो चल रहा था 1595 समथिंग के अराउंड, तो मैंने आपको बोला था बाय करने के लिए गाइस, और अब आप देख सकते हैं कि 1623 1630 तक ये आज गया है, तो ये अभी भी मेरे लिए बाय काउंटर है। तो आप देख सकते हैं कि 1623 पे इसकी क्लोजिंग है, 1619 या 2-3 रुपए नीचे कल आपको मिलता है, कल यानी कि इन द सेंस मंडे को, तो बाय करिए। 1629 1634 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं, और अल्टीमेट टारगेट इसका 1660 का है, स्टॉप लॉस आपको 1611 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। डिविज लैब पे अगर हम चलते हैं तो डिविज लैब पे आप देख सकते हैं कि आपको मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, पर ये कि बेस्ट काउंटर है बाय के लिए। पर हम अगर कल इंट्राडे की बात करें, मैं सिर्फ कल ये पर्टिकुलर स्टॉक ये इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं,
तो इंट्राडे पे मैं एक शॉर्ट लेकर चलने की सलाह दूंगा इस पे, और शायद हो सकता है कि इंट्राडे पे रिकवरी भी दिखा दे और ऊपर हाई लेवल्स और बना सकता है। तो इसे कॉशियसली ट्रेड करिएगा और आपको आपके पहले टारगेट के आसपास भी मिलता है तो अपनी पोजीशन को एग्जिट करने की सोचिएगा। 1741 इसकी क्लोजिंग है, 1738 के नीचे अगर जाता है तो बेचिए। 1732 1724 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि डिविज लैब दिखा सकता है। 1751 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ल्यूपिन बाय करने की सलाह दी जाएगी, ल्यूपिन पे भी आपको, ल्यूपिन भी एक पर्टिकुलरली स्टॉक है जो मेरे अभी पोर्टफोलियो मतलब मेरे स्विंग ट्रेड पे है और अभी भी मैंने इसे होल्ड करा हुआ है। 742 पे एक सीएमपी है, सीएमपी पे भी आप इसे बाय कर सकते हैं, और 733 आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 749 754 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं ल्यूपिन पे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस दोबारा बाय है, देखिए कल भी मैंने आपको बाय की सलाह दी थी, 210 पे ही बाय की सलाह दी थी, 218 का टारगेट दिया था जो कि आज के आज ही अचीव हो गया था और फिर दोबारा ये 210 पे आ गया है, तो दोबारा मैं आपको बाय की सलाह दे रहा हूँ। 216 224 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको 203 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लास्ट आते हैं गाइज हम SBI बेस्ट काउंटर है, बाय करिए। 325 के ऊपर अगर ये बंद हो गया एक दिन भी, सो गाइज 335 350 तक के टारगेट्स भी हम देख सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस मंथली एक्सपायरी के अंदर। हम देख सकते हैं कि ये 350 के आसपास तक का भी लेवल दिखा सकता है, सो बाय करिए। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी एक पर्टिकुलर स्टॉक दे रखा है, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलरली स्टॉक कुछ दिन पहले ही प्रोवाइड करा दिया था कि पर्टिकुलरली स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं। तो आपको मैंने लेवल्स बता दिए, 317 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। 317 का इंट्राडे स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, पर गाइस अगर आप इसे पोजिशनली लेकर चलना चाहते हैं तो पोजिशनली इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 308 का। अब हम बढ़ते हैं गाइस पर्टिकुलरली इन सारे पांच स्टॉक्स के जो मैंने आपको टारगेट स्टॉप लॉस बताया, अब हम इनकी चार्ट्स पे जाके स्टडी करते हैं और देखते हैं कि चार्ट्स पे हमें ऐसा क्या दिखा रहा है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले SBI का चार्ट ओपन करा हुआ है और SBI के चार्ट पे हमें देखना है कि मैंने ऐसा क्या पैटर्न बन रहा है कि मैं आपको एक बाय की सलाह दे रहा हूँ या ऐसा हमें क्या चीज़ें शो कर रही है। गाइस सबसे पहले बात मैं ट्रेंड लाइन का यूज़ करता हूँ, ट्रेंड लाइन पर आपको दिखाता हूँ कि क्या पैटर्न बन रहा है कि मैंने आपको वो सलाह दी है। देख सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, SBI का हमने देखा एक नीचे गिरी और हम देखते हैं कि ये दोबारा एक बार ऊपर बढ़ता है, उसके बाद हम देखते हैं दोबारा नीचे जाता है अपने प्रीवियस जो इसका लो था, आप देख सकते हैं लो को ब्रेक करा और फिर ये ऊपर आ गया। एक सेकेंड गाइस मैं दोबारा एक बार यूज कर देता हूँ इसे, एक सेकेंड। जी गाइस तो दो देख रहे हैं हम दोबारा ये यहाँ तक आ चुका है। अब जो मेरे को टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं वो टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहाँ तक के, यहाँ तक के। तो अब मैंने ये कैसे लेवल निकाला, मैंने आपको क्यों बोला कि मैं यहाँ तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक साइफर पैटर्न होता है, ये एक बियरिश साइफर पैटर्न होता है। कई हाँ आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि बियरिश साइफर पैटर्न कह रहा हूँ पर मैं आपको स्टॉक बाय की रिकमेंड कर रहा हूँ, तो बियरिश होगा ये कब, जब ये इस लेवल पर आएगा, जब ये इस लेवल पर आएगा तब जाके ये बियरिश होगा, अभी ये पॉजिटिव है। और गाइस अब मैं इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यूज़ करूँगा और उससे आपको मैं अच्छे से और समझा पाऊँगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर फिबोनाची टॉप से लेकर बॉटम तक का एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करा है और एक बार मैं इसे दोबारा हटा देता हूँ क्योंकि एक जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो मैं ऐड करना भूल गया। जी गाइस एक सेकेंड, जी गाइस तो हमने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यूज़ करा है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि 78 देखिए एग्जैक्ट मैंने वही लाइन बनाई, एग्जैक्ट वहाँ पर 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है। सो इसका जो सेल लेवल होता है वो स्टार्ट होता है जो हम देखते हैं कि वो इस पर्टिकुलरली 76.8 78.6% से स्टार्ट होता है, यानी कि
अब आप देख सकते हैं मैं आपको इसे लेकर चलता हूँ। जो मेरे अल्टीमेट टारगेट है वो अल्टीमेट टारगेट है 347 का टारगेट है, और मैंने आपको क्या लेवल बताया है कि 324.50 के लेवल के ऊपर आपको बाय करना है, जो कि 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि एक गोल्डन रेशियो कहलाया जाता है। यहाँ से पर्टिकुलरली स्टॉक्स होते हैं वो रिवर्स कर जाते हैं, सो हो सकता है कि वो यहाँ से कल रिवर्स भी कर जाए, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 रुपये ऊपर जाता है तो इसका ब्रेकआउट होगा, बाय करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 347। अब आप देखिए गाइस कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। आर्ली चार्ट में आपको मैं लेकर चलता हूँ, आर्ली चार्ट पे आप अभी से चेक करिए, ये देख सकते हैं इस लेवल के आसपास आया, मैंने एक सेलिंग प्रेशर देखा, यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इधर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, दोबारा नीचे आया, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल कितना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको इस लेवल के ऊपर ही बाय करना है, जो लेवल आपको बताया जा रहा है इस लेवल के आपको ऊपर बाय करना है। और आप देख सकते हैं कि ये 3 से 4, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 लगातार 5 दिन ये 61.8 और 50% रिट्रेसमेंट लेवल के बीच में काम करते रहा। तो इसलिए मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको स्विंग ट्रेड के लिए इसका स्टॉप लॉस क्या दिया था, 308 का, और आप देख सकते हैं 50% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे ही मैंने आपको अपना एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करा है। तो किस तरीके से जो आपको स्टॉप लॉस टारगेट बताए जाते हैं कितने एक्यूरेटली और परफेक्टली होते हैं, इसलिए आपको इस पर्टिकुलरली SBI पे एक बुल बियरिश साइफर पैटर्न बनाए। और गाइस एक अपकमिंग वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो जो ये एडवांस्ड पैटर्न्स होते हैं, ये जो मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ, साइफर, गाटले, बटरफ्लाई, ये एक एडवांस पैटर्न होते हैं जो बहुत रेयरली दिखते हैं चार्ट्स पे। तो ये पैटर्न अगर आपको पता चल जाए तो आप डेफिनेटली 1:3 तक का भी रेशियो में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये पैटर्न्स की आपको मैं लर्निंग अपनी अपकमिंग वीडियोस पे लेकर आने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं साइफर पैटर्न के बारे में ही सिखाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, उससे जैसी मेरी वो वीडियो आएगी आप डेफिनेटली वो वीडियो को देख के सीख सकते हैं और डेफिनेटली एक बेस्ट इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे। तो SBI पे जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक साइफर पैटर्न डेवलप हो रहा है, तो डेवलप होने के लिए उसको पर्टिकुलरली 345 तक के लेवल्स तक जाना पड़ेगा, तो हमने इसको एक बाय रिकमेंड करा है। अब ऐसा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में ऐसा क्या दिख रहा है कि मैं आपको एक बाय रिकमेंड दे रहा हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं एक ट्रेंड लाइन दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं एक मार्केट ने एक अप मूव दी, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आता है, देख सकते हैं जैसे कि आप। तो अब ये जो पैटर्न बन रहा है ये गाइस पैटर्न होता है एक बटरफ्लाई पैटर्न, बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न इसे कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये एडवांस पैटर्न्स होते हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर मैं ये दो लाइनें में मैच कर देता हूँ, ये दो लाइनें जोड़ देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक बटरफ्लाई टाइप का एक शेप बना रहा है, एक बटरफ्लाई टाइप का एक पैटर्न बना रहा है। आप देख भी सकते हैं कि एक बटरफ्लाई टाइप दिख रही होगी आपको ये। सो ये एक तरीके का पैटर्न होता है और इसलिए हम आपको इसमें एक बाय की सलाह दे रहे हैं। तो एग्जैक्ट मैंने ये इस लो पे ही आपको क्यों बोला कि बाय करिए, अब इसके लिए भी फिबोनाची यूज़ होता है, क्योंकि जो एडवांस पैटर्न्स होते हैं गाइस उन पे बिना फिबोनाची के आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और कभी भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो इस लेवल से मैंने स्टार्ट करा, तो इस लेवल से लेके मैं टॉप तक एक फिबोनाची ड्रॉ कर देता हूँ, और अब आप देख सकते हैं कि हमारा बाय लेवल कब इसमें जनरेट होता है, जब ये ऊपर से दोबारा जब ये नीचे गिरता है, आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए गाइस ऊपर से नीचे आया और 161.8% रिट्रेसमेंट लेवल पे ये होल्ड ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये होल्ड ले रहा है एक कम से कम लगातार हम देख रहे हैं 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन से इस पर्टिकुलरली इसी रेंज के अंदर ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी होल्ड पोजीशन बना रहा है। तो आपको मैं लगातार 2 दिन से यहाँ पर बाय की सलाह दे रहा हूँ, आपको मैं एग्जैक्ट 208 210 पे बोलता हूँ बाय करिए और अपने 138.2% रिट्रेसमेंट लेवल पर एग्जिट करवा देता हूँ। तो अभी भी एक ये बाय काउंटर है और इसका जो टारगेट निकल के आता है गाइज, वो टारगेट निकल के आता है अराउंड 100% रिट्रेसमेंट लेवल का पहला टारगेट होता है, जो कि मुझे लगता है कि 228 का है। अगर मैं आपको एक स्टॉक 210 पे बाय करवा रहा हूँ और 20 रुपये ऊपर उसका टारगेट है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इस पर हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। और नेक्स्ट टारगेट इसका है 240 का, तो एक ये बहुत बेस्ट काउंटर है, एक एडवांस पैटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एक स्टॉप लॉस है और इसका जो मैं आपको प्रॉफिट बता रहा हूँ, वो रेशियो आप कंबाइन करेगा कि कितना रेशियो निकलता है। तो अब स्टॉप लॉस फाइंड करने के लिए मैं एक दोबारा इस पर एक वो लेकर चलता हूँ,
स्टॉप लॉस फाइंड करने के लिए नीचे एक सपोर्ट ढूंढते हैं, तो ये एक सपोर्ट है, ये गाइस एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट पे हमें अपने एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इसका स्टॉप लॉस क्या है, 210 पे आपको एक पर्टिकुलरली स्टॉक बाय की रिकमेंड दे रहा है और 205 का आपका स्टॉप लॉस है, 205 204 का, 6 रुपये का स्टॉप लॉस, और आपको वहां से 30 रुपये की मूवमेंट यानी कि 1:5 का आपको एक प्रॉफिट रेशियो मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एडवांस पैटर्न्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर इन्हीं पैटर्न्स में मैं ट्रेड कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं, और अपने क्लाइंट्स को ट्रेड करवा रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ये जाते हैं। तो ये ट्रेड एक दिन में नहीं अचीव होते हैं, 2 दिन में नहीं अचीव होते, इन्हें हफ्ता लग जाता है, 4 दिन लग जाता है, 5 दिन लग जाते हैं, पर डेफिनेटली अचीव हो जाता है। और ज़्यादातर ये जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स मीट करने के लिए अगर हम टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड जितना उस पर्टिकुलरली पीरियड पैटर्न बनने में लगता है उसका आधा पीरियड वो पैटर्न का टारगेट कंप्लीट होने में लगता है, तो इस तरीके से भी हम देख पाते हैं। तो ये एक बाय काउंटर है, देखिए थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 216 के आसपास, पर अगर ये 216 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और बंद हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 230 का है, तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 216 के क्लोजिंग के बाद ही बाय करिए, और 230-240 का अगर आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। लुपिन पे आते हैं, तो लुपिन पे ऐसा क्या बन रहा है, तो मैं आपको एक बाय की सलाह दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, लुपिन पे कोई पर्टिकुलरली एक ऐसा पैटर्न बन नहीं रहा है, हाँ एक पैटर्न बन रहा है वो भी आपको मैं लेकर चलता हूँ, उसके साइड बाय साइड आपको एक चीज़ और शो कराता हूँ मैं। सो सबसे पहले कि आप देख सकते हैं कि मैं एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करूँगा, तो एक सबसे पहले मैंने एक सपोर्ट ढूंढा है, एक सेकेंड गाइस, और एक रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। ये देख सकते हैं जैसे कि आप ये पर्टिकुलरली ये रेंज के अंदर आप देख सकते हैं कि ऊपर ये रेजिस्टेंस चैनल आप समझ लीजिए और नीचे एक सपोर्ट का चैनल समझ लीजिए। तो अब आप देखिएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, आप देखिएगा इस ये चैनल के नीचे से हमने स्टार्ट करी, चैनल के ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर हम देखते हैं चैनल पे नीचे आया, फिर ऊपर आया। आप देख सकते हैं कि ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस फेस करता है, दोबारा नीचे आ जाता है, और नीचे से सपोर्ट मिलता है, दोबारा ऊपर चले जाता है। तो आप देख सकते हैं इसने चैनल को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद दोबारा चैनल पे आया, ऊपर गया, और यहाँ पर इस चैनल के अपर साइड में फिर रेजिस्टेंस फेस करा और दोबारा नीचे आया। दोबारा नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं चैनल पर सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जा रहा है। तो अल्टीमेटली टारगेट अब ये जो बनाना चाह रहा है वो बनाना चाह रहा है दोबारा अपने हायर रेजिस्टेंस के चैनल पे आ सकता है, तो जो कि लेवल दिखा रहा है 770 का, ट्रेड कर रहा है 742 पे, और चैनल का जो इसका रेजिस्टेंस है वो स्टार्ट होता है 770 से, और अगर हम बात करें तो 200 दिन का मूविंग एवरेज भी 770 के आसपास ही है। तो मुझे लगता है कि ये 770 तक जा सकता है 3 से 4 दिन के अंदर, मुझे लगता है ये 30 रुपये तक की या यहाँ से 40 रुपये तक की मूवमेंट एक बार दिखा सकता है लुपिन, और इसलिए मैं आपको बाय की सलाह दे रहा हूँ। अगर आप एक बात और देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप भी बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसका लेवल भी 770 तक दिखा रहा है। देख सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे गई ऊपर आई, पहला इसने एक अपना शोल्डर बनाया, नीचे आई ऊपर आई, अपना हेड बनाया, और ये अपना एक सेकेंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रही है। सेकेंड शोल्डर जो बना रही है उसका जो टारगेट है सेकेंड शोल्डर बनाने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए इस पैटर्न को उसको 770-780 तक आना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि एट अ मैटर ऑफ टाइम आ सकता है। और आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मैंने इसे 724 पे बाय करा था, और अगर आप मेरी कल की वीडियो देखेंगे गाइज तो उस पर भी मैंने आपको एग्जैक्ट यही लेवल बताया था लुपिन पे कि मैंने 724 पे से बाय करा हुआ है, और अभी भी ये मेरी पोजिशनली होल्ड पे है, तो अभी भी एक बाय काउंटर बनता है। तो आप देख सकते हैं कि एक चैनल है, चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है तो बाय है, दोबारा 200 दिन का मूविंग एवरेज है उसकी तरफ बढ़ रहा है तो बाय है, और साइड बाय साइड एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो और जो लेवल आपको मैं एग्जैक्ट लेवल बता रहा हूँ वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको 3 तरीके की चीज़ें शो कर रही है, एक रेजिस्टेंस, एक मूविंग एवरेज और साइड बाय साइड एक पैटर्न। तो आप देख सकते हैं कितने परफेक्टली तरीके से हम आपके लिए स्टॉक्स फाइंड करके आप लोगों को रिकमेंड देते हैं। सेकंड लास्ट में आते हैं जो कि है कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी मेरे लिए होल्ड में है। ये सारे स्टॉक्स पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बताऊं ये सब मेरे एक पर्टिकुलरली होल्ड में है, डिविज लैब को छोड़ के, डिविज लैब मेरे होल्ड में नहीं है। तो अब इस पर पर्टिकुलरली ऐसा क्या बन रहा है वो भी हम बात करते हैं। तो हमें देख सकते हैं मैंने टॉप से लेकर बॉटम तक मैंने एक सारे टॉप्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ करी, साइड बाय साइड मैंने एक बॉटम पर एक लाइन ड्रॉ करी है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने मैं आपको दिखाता हूँ इसने क्या पैटर्न ड्रॉ करा है, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ तो उसकी तरीके से आप समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक पर्टिकुलरली अप मूव आई, अप मूव आने के बाद ये पर्टिकुलरली इस रेंज के अंदर काम करने लग गया। रेंज के अंदर काम करने के अंदर लगने के बाद इसने देखा, हमने एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यानी कि ये इसने एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया, एक बुलिश मेजर्ड मूव कहेंगे, फ्लैग नहीं है ये, एक बुलिश मेजर्ड मूव बनाया, पैटर्न का नाम है गाइस याद कर लीजिए। उसके बाद उसने कंटिन्यूशन पैटर्न में एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद मैंने आपको बताया कोटक भी मेरे बाय पे है, और मैंने आपको बताया था कि 6:50.95 पे ही मैंने इस पर्टिकुलरली काउंटर को बाय करा था, तो ये अभी भी मेरे एक बाय लिस्ट पे है और अभी भी मैंने इसे बाय करा हुआ है। और इसका जो अल्टीमेटली टारगेट है वो 1645 और 1680 तक का है, 1660 तक का मुझे लगता है कि दिखा सकता है। अब आप देखिएगा गाइस, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं एक चैनल बनाता हूँ आपके लिए और आप समझिएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैनल है। एक सेकेंड, ये देखिएगा गाइस, एक चैनल ड्रॉ करा है मैंने आपके लिए। ये देखिए, सबसे पहले क्या करा मार्केट ने, जो पर्टिकुलरली मैं सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर रहा हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक एक चैनल पे ही ट्रेड करता है जनरली, और उसके बाद जब ब्रेकआउट देता है तो हैवी ब्रेकआउट देता है। ये देख सकते हैं कि डे का चार्ट है, यानी कि इसने कम से कम 2.5 महीने एक चैनल के अंदर ये ट्रेड करता रहा, चैनल के अंदर ट्रेड करते रहा, उसके बाद नीचे गया, ऊपर आया, चैनल के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद हमने देखा कि इसने चैनल का ब्रेकआउट दिया 1550 से, और इसने जो हाई मारा है वो 1700 का मारा, यानी कि 150 पॉइंट की इसने रैली दे दी थी। उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक नीचे की लाइन बनाऊंगा और एक ऊपर से लाइन बनाऊंगा तो ये भी एक चैनल है, चैनल का ब्रेकआउट आया। एग्जैक्ट उसी तरीके से इसने दोबारा यहाँ पर एक चैनल बनाया और चैनल का ब्रेकआउट दिया, तो हम देख सकते हैं हाई लेवल्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो इसलिए कि मेरा बाय का काउंटर है। अब हम आते हैं डिविस लैब पे, तो डिविस लैब एक मेरे लिए बाय काउंटर है, पर इंट्राडे के लिए कल मैं एक ऐसे शॉर्ट में लेकर चल सकता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है ऐसे, तो आप देख सकते हैं लाइन का कितना इंपॉर्टेंट काम है डिविस लैब के चार्ट के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करा, आप देखिए जैसे इसने सपोर्ट किया, इस लाइन को ब्रेक करा, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा, 1 महीने तक इस लाइन के पास जाता था और हम देखते थे एक बहुत तेज़ी से फॉल आता था और बहुत तेज़ी से गिरावट आती थी। उसके बाद गिरावट आने के बाद हमने ऊपर गया, फिर इसने इस लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करी और हैवी रेजिस्टेंस से हमने देखा कि इसने यहाँ से फिर से 100 से 150 पॉइंट की गिरावट दिखा दी। तो अब ये दोबारा अपने रेजिस्टेंस लाइन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि 1800 रुपये का लेवल है, और मुझे लगता है कि 1800 के लेवल तक ये जा सकता है, 740 के ये अभी ट्रेड कर रहा है। पर इंट्राडे मैं आपको इस पर शॉर्ट की सलाह क्यों दे रहा हूँ, उसके लिए मुझे अर्ली चार्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे टाइम फ्रेम पे चार्ट्स की स्टडी करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको अपने इस पर्टिकुलरली SBI के पैटर्न पर क्या बताया था कि क्या बन रहा है इस पर। आप देखिए, एक बुलिश बियरिश साइफर पैटर्न है, और साइफर पैटर्न का पैटर्न कंप्लीट होने के लिए उसको यहाँ तक आना पड़ेगा, सेम एज डिविस लैब है, डिविस लैब पे वो वहाँ तक आ चुका है। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, स्टॉक नीचे गिरा, स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक नीचे आया, प्रीवियस लो को ब्रेक करा, स्टॉक ऊपर गया, यहाँ तक आया, और अब यहाँ से फॉल करना चाहता है। अब मैं इसके लिए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोबारा ड्रॉ करता हूँ और तब मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड गाइस, ये देखिएगा, फिर मैं 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल अभी नहीं आया, वो मैं दोबारा एक बार आपके लिए लेकर आ देता हूँ, सेटिंग्स बाबा इसमें चेंज करनी पड़ती है जी गाइस, क्योंकि गाइस ये जो हाईली एडवांस पैटर्न्स होते हैं ये बिना रेशियोज के, फिबोनाची रेशियोज के आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। ये आप देख रहे हैं 78.6% पे ये आया और उसके ऊपर निकला, हाँ गाइस एग्जैक्ट 78.6%, और एक रिट्रेसमेंट लेवल और होता है जो कि जीरोधा के हम देखते हैं कि चार्ट सिस्टम पे नहीं है, जो कि ये 88.6 ये एक रेंज है रेशियो की, जिस रेशियो पे हमें एक शॉर्ट करना पड़ता है, हमें एक इस लेवल पे बाय कर सकते हैं इस रेंज पे, इसलिए मैंने investing.com पे गया हूँ, वहाँ पर मैंने अच्छे से बना रखा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बियरिश साइफर पैटर्न बना रखा है, ये आप देख सकते हैं 885 है और 886 तक ये गया है,
तो 886 तक गया है हमारे लिए, जो एक्यूमुलेशन होते हैं सेल करने के लिए वो 78.6 टू 886 का होता है, उसके बीच में हम कभी भी एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और जैसे ही ये 78.6 के लेवल को तोड़ता है और उसके नीचे बंद होता है तो हम एक शॉर्ट इनिशिएट करते हैं, और शॉर्ट इनिशिएट करने का जो हमारा पहला टारगेट होता है वो होता है 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि मुझे लगता है कि जा सकता है। अब हमें ट्रेड कब लेना है, 741 के नीचे ये बंद हुआ है, 741 पे 1737 के नीचे जाता है, सस्टेन करता है, शॉर्ट करिए 1724 1760 तक का ये टारगेट एटलीस्ट मुझे लगता है कल तक दिखा सकता है डिविज लैब, उसके बाद हम एक दोबारा बाय की इनिशिएट पोजीशन लेकर चल सकते हैं। तो अगर आपको ये डिविज लैब 1800 के लेवल के लिए बाय भी करना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको 1700 लेवल के आसपास मिलता है तो एक बार बाय करके चल सकते हैं। तो गाइस उसी के साथ मैं आपके लिए 5 स्टॉक्स लेकर आया, और आपको डेफिनेटली हाईली एडवांस्ड जो स्टॉक पैटर्न्स होते हैं उन्हीं के साथ मैंने आप लोगों को बाय की रिकमेंडेशन दी है। देख सकते हैं कि कितने हाईली एडवांस पैटर्न्स होते हैं, और ये पैटर्न्स भी आपको मैं सिखाऊंगा, ज़रूर सिखाऊंगा, जब बहुत जल्दी सिखाऊंगा आप लोगों को ये पैटर्न्स। इसी के साथ ये आप समझ गए होंगे कि हम लोग आपको जो प्रोवाइड कराते हैं स्टॉक्स वो हम खुद भी बाय करते हैं। क्यों बाय करते हैं आपको चार्ट पे मैं लेकर जाके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को मैं ये बाय करवा रहा हूँ और ये पैटर्न अगर 700 से 780 जाना है तो मैं खुद क्यों नहीं बाय करूंगा गाइस। तो आपको इस पे फोकस रखना है, मेरे चार्ट एनालिसिस पे मेरे पे भरोसा करिए, तो गाइस आप डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट लेकर जाएंगे। और मैं आपको एक जिन लोगों के पास मैं कहना तो नहीं चाहता, पर जिन लोगों के पास बहुत अच्छा पैसा है जो मार्केट में लगाने के लिए, मैं उनको डेफिनेटली सलाह दूंगा इंट्राडे पे काम मत करिए, स्विंग ट्रेड पे काम करिए और आप डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रॉफिट पे एग्जिट करेंगे। तो ये जो आपको स्टॉक्स मैंने रिकमेंड करें, आप जिस लेवल पे रिकमेंड करें, अगर आप इसी पे स्विंग ट्रेड लेकर चलते हैं गाइस, इन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप अगर होल्ड करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए तो आप डेफिनेटली अच्छे खासे प्रॉफिट पे एग्जिट करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मुझे पता है वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो गई है, पर गाइस वीडियो लंबी होने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इसमें अच्छे से जो मैंने आपको सिखाया है वो आपको समझ में आया है तो ये आपको 20 या 15 मिनट की जो भी वीडियो मेरी वीडियो बनी है ये आपको लॉन्ग टर्म पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट ज़रूर देगी। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो के साथ, जिसमें आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके सिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या आपके लिए टारगेट्स नेक्स्ट मंडे के लिए बनते हैं।